आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज जो है 14 जनवरी को औरंगाबाद शहर के अंदर आप देखिए कि लाखों की तादाद में यहां पर लोग जो है दलित समाज, बुद्ध समाज, सारे समाज के लोग यहां पर आए हैं 14 जनवरी को। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो यहां पर एक कॉलेज है विद्यापीठ, उसमें काफी सारे तादाद में लोग यहां पर मौजूद है। हमारे साथ में धर्म गुरु यहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, आखिर जानेंगे कि क्या आखिर 14 दिसंबर को इतनी तादाद में लोग आने की वजह क्या है, हम इनसे जानेंगे। सर, आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, इसकी आने की सबसे बड़ी वजह बताइए मुझे। देखो, आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम दिया था, और बाबा साहब का नाम देने से देखो विद्यापीठ तो बहुत है लेकिन ये विद्यापीठ अलग है सबसे, जो कि सारी दुनिया में इसका नाम रोशन हुआ। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आने से पहले न जाने कितने लोगों को मतलब हुतात्मा देना पड़ा, मर गए, जान दे दिए। लेकिन ऐसा एक समाज है अपने देश के अंदर जो बाबा साहब के लिए अपनी जान भी दे सकता है, वो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार उस समय 1994 जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आज के ही दिन डिक्लेयर किया था बाबा साहब का नाम इस मराठवाड़ा विद्यापीठ को दे दिया। लेकिन अगर बाबा साहब चाहते तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने पीएस सोसाइटी का बहुत बड़ा कॉलेज निकलवा, अगर निकाल कर वो चाहते तो अपना ही विद्यापीठ दे देते दे अपने नाम से, लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे क्योंकि पीएस सोसाइटी का जिस दिन उन्होंने यहाँ की कौन शिला रखी, अपने देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को लाया और अपना भी नाम दे सकते थे, फिर भी नहीं दिया, तो पीएस कॉलेज नाम दिया। उसके बाद उस कॉलेज का नाम उन्होंने मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस रखा गया। देखो, बाबा साहब इतने बड़े होकर दुनिया में इस महान हस्ती का नाम है, इसीलिए आज के दिन कितने लोग यहाँ पर हर साल आते हैं, लाखों से जो कि लाखों से तादाद में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जो कि पूरे देश के अंदर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ कितने सालों से मनाया जा रहा है गुरुजी, 94 से अभी तक और आगे भी चलेगा, जो कि जब तक सूरज चांद है तब तक लोग आते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ऐसे हस्ती हैं इस देश के अंदर, बाबा साहब जैसा कोई मसीहा हुआ नहीं, कोई लीडर हुआ नहीं, कि सारे लोग बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ पर सिर्फ बौद्ध लोग ही नहीं है, हर जाति धर्म के लोग हैं। मैं देखता हूँ वो जब मेरे से बात करते हैं तब मुझे पता चलता है कि बाबा साहब को हम ही अकेले नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते हैं। और बाबा साहब ने काम सिर्फ एक ही जाति के लिए, एक ही लोगों के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया। मेरा नाम भदंत डॉक्टर हर्ष बोधी, मैं इस विद्यापीठ में अभी पीएचडी हो गया हूँ, जो कि अभी थोड़ा डिक्लेयर बाकी हो जाएगा कुछ दिन के अंदर।